के पावन धरती को सहृदय सेवा जोहार खुरदाए और समस्त शक्तियों को सहृदय सेवा जोहार प्रकृति शक्ति फड़पेन सजड़पेन और गड़गड़ियों की समस्त शक्तियों को सेवा जोहार करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय मंचासीन है, साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंचासीन विशिष्ट अतिथि आप सभी को सहृदय सेवा जोहार। आज के इस कार्यक्रम में समस्त यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी को सहृदय सेवा जोहार और सेवा जोहार करता हूँ। हमारे देश के रक्षा सुरक्षा करने वाले जिन्होंने इस प्रकार का जो कार्यक्रम आयोजित करके हमारे संस्कृति हमारे नेक सेंग हमारे गीत और संगीत हमारे रीति रिवाज हमारे पूर्वजों के गौरवशाली व्यवस्था को बचाए रखने के लिए यह भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं प्रतिवर्ष और हमारे रीति रिवाज संस्कृतियों को हमारे नाचा गाना को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे फोन के माध्यम से आमंत्रित किया हमारे ध्रुव जी के माध्यम से और आपके आमंत्रण पर यहाँ आकर के समस्त हमारे मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी से मिलने और जुलने का मौका मिला। इसके लिए हमारे आयोजक समिति के समस्त हमारे पदाधिकारियों को सहर्द में सेवा जोहार करता हूँ। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में अपनी बातें रखी चुके हैं, हमारे बिछिया कॉलेज से आए हुए हमारे ध्रुव जी आपके समक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से बताए कि उच्च शिक्षा की बात करें पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये बातें और वही मैं भी कहता हूँ मेरे चिंतन के अनुसार तो हम पढ़ाई लिखाई या पुस्तकी ज्ञान स्कूल से या पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक ज्ञान या संस्कार हमारे पुस्तकों से नहीं आएंगे स्कूल से नहीं आएंगे कॉलेज से नहीं आएंगे, हमारे संस्कार और संस्कृति हमारे घर परिवार और हमारे गांव से आएगा हमारे पुरखों से आएगा। क्योंकि लक्ष्य हमारे यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं नन्हे बच्चे हैं बच्चियां हैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा लक्ष्य हमारा ऊंचा होना चाहिए, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, सफलता मिले ना मिले बात की बात है लेकिन लक्ष्य और हौसले हमारे बुलंद होना चाहिए। अभी बहुत से लोगों ने आप सुने होंगे कि हमारे डिंडौरी जिले के अर्जुन ध्रुवे जो हमारे कर्मा शैला और खास करके परघवनी जो उनका नृत्य है वो परघवनी नृत्य सारे दुनिया में प्रसिद्ध है और माना 44 साल हो गए मेरे को प्रोग्राम देते देते 7 साल की उम्र में मैंने गोंडवानी गीत संगीत गाना शुरू कर दिया था। उस समय कोई गोंडवानी गीत संगीत को जानता तक नहीं था, कोई जानता नहीं था। 1977 से 7 साल की उम्र से मैंने कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था और अभी यहाँ पर हमारे जिसको कार्यक्रम अच्छा लगता है या उनके हौसला बुलंद करने के लिए हमारे जो बच्चे बच्चे यहाँ पर नृत्य करते हैं गीत गाते हैं उनके लिए जो यहाँ पर सम्मान और परितोषक राशि जो देते हैं ऐसा देना चाहिए इससे हौसला बुलंद होता है और हमारे कला और निखर के सामने आते। मैं मेरी बात बताऊं 1977 में और मेरे गांव में एक कार्यक्रम हुआ था तब मैंने एक वहां पर मैंने एक गीत गाया तो एक करिया दवान नाम का हमारे गांव में एक व्यक्ति था करिया दवान कहते थे उसने मेरे को 10 पैसा दिया। उस समय एक
बजन दस्ती चलता था पीतल का, वो 10 पैसा दिया, मेरे हौसला और बुलंद हो गए, अरे यार गाने से तो पैसा मिलते हैं। तब से लेकर के मैंने गाना शुरू किया, फिर दूसरे कार्यक्रम में मैंने फिर गाना गाया, तब एक हमारे गांव का गिधिया मुकद्दम कहते थे, उसने मेरे को 25 पैसा दिया, मेरा हौसला और बुलंद हुआ और वहां से मैंने कभी फिर रुका नहीं, कभी रुका नहीं, गीत गाता गया और जो भी गीत और संगीत मैंने गाया वो कहीं से कोई किसी का नकल नहीं किया। भले मेरे गीत गाना को दूसरे लोग नकल करके बहुत गाते हैं और मेरे गीत संगीत को बहुत आगे स्तर तक बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मैंने पूर्वजों से सीखा, मेरे नाना नानियों से सीखा, मेरे दादा दादियों से, आजा दादिन से सीखा। और इस प्रकार के हमारे गांव बस्ती में जो उस समय ठंड के समय में सिगड़ी जलाते थे, सैरी कहते हैं हमारे क्षेत्र में, सैरी जलाते थे, आग जलाते थे, वहां पर एकत्रित होकर के जब हम बैठते थे तब वहां कई प्रकार के बातें होती थी, कई प्रकार के गीत गाना के सुर धुन वहां निकलता था, वो कंठ में मेरे भरते गए। जो कुछ भी मैंने अभी तक बताने का प्रयास किया वो हमारे पुरखों के बताए अनुसार ही बताने का प्रयास किया। और आजकल बहुत कई अलग हमारे समाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों के पुस्तकें बुक आ गई हैं, लेकिन उनको भी मैं सही कहीं नहीं मानता, क्योंकि कई लोग अपने विचारधारा को जबरदस्त समाज के ऊपर थोपना चाहिए सही है करके लिखते हैं, लेकिन हमारा जो विचारधारा है वो सबका विचारधारा है, हमारे पुरखों को जो दर्शन है वो सबके सहयोग से और सबके सामंजस्य का दर्शन है, हमारे जो पूर्वजों का ज्ञान है वो परम ज्ञान है, अतः वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। यदि हम डायरेक्ट हमारा जो इतिहास संस्कृति, उदाहरण के लिए 5000 फीट नीचे पानी में दब गया है, तो हम एक एक फुट करके एक एक इंच करके नीचे धीरे धीरे जाएंगे तब ना हमारे इतिहास को निकाल पाएंगे। बहुत से हमारे विद्वान ऐसे हैं जो डायरेक्ट वो 5000 फीट नीचे जाकर के लिखते हैं, तो ऊपर का जो बच जाता है उसके समझ में फिर नहीं आता, तो क्रम से होना चाहिए कि कहां से समझ आना चाहिए, किसको कौन अच्छा समझा सकता है। जैसे हमारे प्रोफेसर महोदय ने कहा कि कोई बालक 1 घंटे में समझ सकता है, कोई 2 बार में समझता है, कोई 3 बार में समझता है, कोई 4 बार में समझता है, सत्य है। तो वही बात है कि हम पहले 1 फीट के महत्व को समझाएं, फिर 2 को समझाएं, 3 को समझाएं, ऐसे ऐसे कर करके हम 5000 हमारा जो और 35 करोड़ का जो हमारा गोंडवाना का इतिहास रहा है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। हमारे गीत और गाना को जब हम समझेंगे जानेंगे, अलग अलग समय के अलग अलग गीत और गाना, नाचा गाना, मांगर माटी सब लाते हैं शादी ब्याह के समय, कोई हमारे लोग ही नहीं लाते, मांगर माटी सब लाते हैं, लेकिन मांगर माटी है क्या उसके बारे में नहीं जानते, खाम गाड़ते सब गड़ाते हैं मंडप में, लेकिन खाम है क्या, क्यों गड़ाया जाता है कोई नहीं जानता। और जब शादी ब्याह करके हम लोग शहरों में भी देखते हैं, दूसरे वर्ग के लोग कोई भी हो, जब दूल्हा दुल्हन वापस लौट के अपने घर में आते हैं तब मूसल और एक मथेनी को बांध करके और ऐसा हमारी महिलाएं दोनों तरफ हमारी माता शक्ति है उसको ऐसा उसको नकाती है, सब करते हैं, लेकिन वो क्या है, वही है गोंडवाना का दर्शन, वही है हमारे पुरखों का दर्शन जो सब कर रहे हैं। गोदना बहुत लोग हमारे गोदाते हैं, गोदना का महत्व नहीं जानते, हमारे लोग गोदना गोदाएंगे तो उसको हीन भावना से देखेंगे और उसी को यदि फिल्म स्टार लोग गोदा देंगे तो टैटू कहेंगे, उसको जय जयकार करेंगे। यदि हमारे गीत और संगीत, हमारे जो नाचा और गाना यदि अच्छा नहीं होता तो विदेश का जब कोई राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो फिर हमारे लोगों को ले जाकर के क्यों दिखाते हैं, फिल्मी दुनिया वालों को क्यों नहीं दिखाते, वहां क्यों नहीं नचवाते। इसका मतलब यह है कि हमारे गीत और संगीत, नाचा और गाना सबसे वजनदार है, इसलिए वहां पर दिखाया जाता है। उस चीज को हम जाने और समझने का प्रयास करें। जैसे कि अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा, खासकर हमारे युवक हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये जो डीजे में आप हम लोग जो बजा करके जो आप नृत्य करते हैं उसको थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, जैसे ये कि लाइव गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ये असली हमारी संस्कृति है,
और यदि हम डीजे में बजाएंगे और फिर यहाँ उसमें नाचेंगे तो फिर वो डीजे संस्कृति आ गई, फिर हमारा संस्कृति वहां विलुप्त हो जाएगी। इससे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर लाइव में गा भी रहे हैं, लाइव में नाच भी रहे हैं, ये असली चीज है, ये असली चीज है भाई। हमारे जहां है सारे सारे चीजों का सृजनकार हमारे लोग हैं, हमारे पुरखा हैं। आप ही बताइए, चकमक का आविष्कार पहली हुआ चकमक को देख करके लाइटर बना, माचिस बना, कि माचिस को देख करके लाइटर को देख के चकमक बना, चकमक को देख करके लाइटर बना ना, हमारे खमरी को देख करके छत्ता बना, हमारे हर ऐसा कोकी रहता है कहके ट्रैक्टर में वैसे कोकी बना करके बना दिए हर, लेकिन हमारे से सब कुछ निकला है। हमारे आटा पीसने वाले चक्कियों को देख करके चक्की बना, हमारे धान धरने वाले जाता को देख करके वो धान धरने वाले चक्की बना कि चक्की को देख करके जाता बना, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ के वाहक हैं, सब कुछ को हम सिखाने वाले दुनिया को हमारे पुरखा, वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करें। हमारी व्यवस्था को सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं, किसी ने बहकाने का बात कर दिया कि उनके व्यवस्था है, उनके व्यवस्था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक जगह मेरे को चार पांच पंडित लोग मेरे को फंसा लिए एसटीडी के दुकान में, बोले आप पी लगा, बोले आप आओ, प्रेम सिंह कहता है, वो पहचानता है, अरे बोले गोड़वाना वाले हूँ, पता नहीं कौन सा वाला हूँ लेकिन आदमी हूँ कहता हूँ, आदमी हूँ कहता हूँ, तो कहते हैं अरे यार आप लोग ये गलत करवाते हो, बोले रामायण जलवाते हो, कहाँ जला है, तारीख बताओ, गाँव बताओ, अब मेरे साथ चलो, किराया भाड़ा मैं लगाऊंगा, जो जलाया होगा उसको ला करके FIR मैं करवाता हूँ, चलो। नहीं नहीं ऐसे सुने, मैं सुनने वाली बात नहीं, बताओ तारीख बताओ गांव बताओ, ये घर पर ढोड़ा पलकी अपने घर गांव है, बोले ढोड़ा पलकी साइड ऐसा ऐसा कहते हैं, मैंने कहा चलो तुम तो। बोले नहीं जाने वाली बात नहीं, ऐसा सुने इसलिए कह रहे हैं, मैं कहूँ हम सही चीज को बता रहे हैं तो कौन सा गलत बात काम कर रहे हैं, बोले कैसे सही चीज, मैंने कहा शहपुरा क्यों कहते हैं, शहपुरा इसका नाम है तो कहते हैं, ऐसा थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ महत्व होगा, कुछ ना कुछ दर्शन होगा, तब तो शहपुरा कहते हैं, बोले हमको मालूम नहीं है, मैंने कहा ना मालूम नहीं है कि वैसे ये कह रहे हो, नहीं हमको मालूम नहीं है, आप ही बताओ, मैंने कहा ये जो शहपुरा है ये औंधा नगरी है, पहले औंधा नगरी है, तब उधर जैन लोग वहां कब्जा करके 1008 श्री श्री पार्श्वनाथ मंदिर बना दिए वहां, हमारे यहाँ के गोड़ लोगों का पारस मढ़िया था, एक इमली का पेड़ था उसके नीचे झिरिया हुआ करता था, वहां पर मढ़िया हुआ करता था, अभी भी जाके अवशेष है देख लेना, तब उसको हम धनगरी कहते थे। यहां जब जमींदार बना करके अजमेर शाह को और उसके परिवारों को शाह लिखते थे आखिरी मुझको अंत में, तो शाह लोगों को अजमेर शाह और उनके परिवार वालों को ला करके बसाए, जमींदार दिए, तो शाह के कारण उसको शाहपुरा कहा जाने लगा। मैंने कहा ये टेकरी को क्या कहते हैं, बोले शारदा टेकरी। मैंने कहा 25 साल पहले सिहारगढ़ कर कहते थे, और सिहारगढ़ सयाम लोगों का गढ़ रहा है, जो बाकी कहते हैं वो बांका गढ़ है, यहाँ पर किले और महलों के अवशेष हैं, चित्रही स्थान में, मैंने कहा दो सेनाओं में चित्रे चित्रे हुए तो चित्रही कहते हैं, मुड़की में मूड़ कटे थे दो सेनाओं को तो मुड़की कहते हैं, मंगेला में बहुत ऊंचा स्थान है, वहां पुरखों ने मांग लिए थे होम धूप लगा करके कि यहाँ पर दुश्मन की सेना चढ़ ना पाए, और सारे अपने बाल बच्चों से चढ़ गए वहां, दुश्मन की सेना नहीं चढ़ पाए तो मांग लिए, मांगा वो किनसे, देवी देवताओं से, मांगने के कारण उसके नाम मंगेला पड़ा। रनगांव है वहां पर, दोनों सेना रनभट्ट हुए तो रनगांव कहते हैं, संग्रामपुर संग्राम शाह के नाम से है, बिजोरी कहते हैं, बीजा का पेड़ था इसलिए बिजोरी कहते हैं, चरगांव है, चार पेड़ थे बहुत ज्यादा चरगांव कहते हैं, वहां महुरा है, महुआ के पेड़ थे बहुत ज्यादा थे अभी भी है इसलिए महुरा कहते हैं, गोरैया में मैंने कहा गोरैया पाठ गोरैया गढ़ी भगतिया लोगों का गढ़ है, वहां पर कुल्लू के पेड़ के पास अभी भी पूरे बिखरे पड़े हैं खंडहर इसलिए उसको गोरैया कहते हैं, आसपास के सब बताया तो कहते हैं इतिहास हमको कहीं कहीं मिल जाएगा, कहा मैं कहूँ तुम्हारा बाप लिखा है कि मेरा बाप लिखा है, तुम्हारा केवल लिखोगे तो तुम दूट पटांग लिखोगे तोड़ने के हिसाब से, ऐसा इतिहास तो लिख ही नहीं सकते, तो वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करें। हिरना ही टोला, जब हिरना ही टोला है, जब वहां तक हम घुसेंगे वो शब्द में घुसेंगे, तब इसका वास्तविक अर्थ और हमारे पूर्वजों के इतिहास और पूर्वजों की व्यवस्था तक पहुंच पाएंगे, वहां तक पहुंच गएंगे। हर्रा भाट है तो हर्रा भाट का भी दर्शन है, माधोपुर है तो राजा माधो शाह के नाम से है, हृदय नगर है तो राजा हृदय शाह के नाम से है, प्रेम नगर है तो राजा प्रेम शाह के नाम से है, नामनगर को जबरदस्त रामनगर कर रहे हैं 10-15 साल से, पूरा इतिहास बदलने का, लेकिन आज तक हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, और हमारे पुरखा लोग हमारे लोग
90% दूसर के लिए जीते हैं और 10% केवल अपने लिए जीते हैं। फर्क ये है, हमारे लोग जब खेदा जाते थे, हम भी गए हैं खेदा जाते थे, पूरा जानवर हम लोग खरगोश मार लिए, घोटरी मार लेते थे, दूसरे भी जानवर मार करके खेतर में, और उसके बाद ला करके काट भूंज करके अब बांटा बांट लिए, बांटा बांटते बांटते में कोई मेहनत भी नहीं किया है, वो आदमी अखर धोखा से वहां पहुंच गया, उसको देखते हैं कैसे करी रही है, भी आगे थे कैसे कर, वो बांटा से एक एक दो दो निकाल करके उसको देते हैं। ऐसा संस्कृति किसी में है, ऐसी सभ्यता और ऐसी व्यवस्था है किसी में? ऐसी किसी में व्यवस्था नहीं है। वो पुरखों के हमारे दर्शन तक पहुंचना पड़ेगा। हमारी माताएं बहने मछली छींचने जाती थी, मछली पकड़ने जाती थी, वहां पर पकड़ लिए, सब कुछ कर लिए, शाम के समय कोई यदि वहां पहुंच गया, अरे ये भी आ गए कहके उसको अलग से निकाल निकाल के उसको भी एक बांटा दिया जाता। ऐसी व्यवस्था किसी में है, किसी भी संस्कृति? और अपने आप को सब कहते हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि हमारे पुरखों के संस्कृति और हमारे पुरखों के व्यवस्था में पहुंचने के लिए उनको कम से कम 20 से 25 हजार साल लग जाएंगे, तब भी ना पहुंच पाएंगे, तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। किसी को सताने वाली व्यवस्था हमारे धरती पर नहीं रही, समता मूलक समाज और समता मूलक यहां वह व्यवस्था रही है। कोई गांव में भूखा न रहे, हमारे जानते तक में भदेला बोया जाता था, भदेला सबसे शुरू में पकने वाला अनाज है, और उसी के अनुसार हमारे पुरखा लोग गाते थे, तरनक नाना रे नाना मर तई नाना नरे नाना खाए भदैला नाचे सैला मर नाना खाए भदैला नाचे सैला। मतलब भदेला खा करके ही सैला नाचने की शुरुआत होती थी। भदेला वह अनाज है जो सबसे शुरू में पकता है, और जब भदेला को गाह मींच करके यदि एक घर का गहाई कर लिया है तो हमारे जानते तक में पूरे गांव भर के उसको कोई एक पायली मांगेगा, कोई एक कुरैया मांगेगा, कोई एक कुरे मांगेगा, और एक कुरे मांग मांग करके उसके पास भी उतना ही बचा है, पूरे मांग के खा डालते थे, मोर पक जाए मोर जब गाह ले तो तुला देवी कहते। ऐसी व्यवस्था आजकल कहां गया? हमारे कोई पीछे हो जाता तो हमारी माताएं निंदाई में पीछे हो गए तो हमारी माताएं बहने जाकर के पूरे गांव भर के बिगाड़ लेकर के निंदाई करवा देती थी, केवल उसको पेज भाजी खिला पिला देते थे। ऐसा व्यवस्था था। कोई जुताई में पीछे हो गया तो बिगाड़ लेकर के और पूरे गांव भर के जाकर के उसके खेत को जोत देते थे। ऐसे ये सहानुभूति वैसे हमारे में समता मूलक जीना और खाना रहा है, उससे हम हटते जा रहे हैं, दूर चलते जा रहे हैं। हमारे पुरखा लोगों को मालूम था, हजार साल पीढ़ी, कई हजार साल पीढ़ी इस धरती पर जो हमारे नाती नवरा, हमारे बच्चे बाल बच्चे, नाती से परनाती यहाँ पर जो जन्म लेंगे उसको भी भोजन के और दाना पानी की जरूरत है। इसलिए हमारे पुरखा लोग जो केमिकल वेमिकल वाला यो तो जानते हुए भी कोई नहीं डालते थे, उनको मालूम है। अब ये तो ये हो रहा है जबरदस्त, हम खाद बीज केमिकल डाल डाल करके और जो 50 साल का 100 साल का पकने वाला है हम एक ही साथ में खींच रहे हैं, जबरदस्त झटक रहे हैं कि जल्दी हम इस भर को मर, ज्यादा से ज्यादा जहां 10 बोरा होता है वहां 200 बोरा हो जाए, अब हम खा करके मर जाए, आने वाली पीढ़ी भाड़ में जाए। ऐसी वाली व्यवस्था है। ये चीज तो हम खुद कर सकते हैं ना, जो कमाते हैं जो कर सकते हैं उसमें ये तो हम कर सकते हैं, दूसरे चीज के बात नहीं है, जो लोहा है ऐसा वैसा हमारे बस के बात नहीं है, लेकिन सब्जी हुआ हमारे धान हुआ ये तो जो है इनमें तो हम बिना खाद के भी कमा सकते हैं, बिना खाद के भी पका सकते हैं। अभी हमारे प्रोफेसर जी बता रहे थे कोदो कुटकी का महत्व नहीं जाते, कोदो कुटकी में कोई ना खाद लगता ना कुछ नहीं लगता, हमारे क्षेत्र में ज्यादातर कोदो कुटकी होता है, लेकिन क्या करते हैं हमारे लोग के कारण कोदो कुटकी पकाते हैं हमारे क्षेत्र के और उसको बेच करके और कनकी लाते हैं, चावल खरीद के लाते हैं वहां, अच्छे चीज को वहां देना, गलत चीज से वहां से लाना, बीमारी वाला चीज। पहले किसान हमारे नाना मेरे खुद तंबाकू लगाता था दिन भर पीता था, तंबाकू से कैंसर होता है कहते हैं, वो कैंसर इसलिए होता है कि वो केमिकल वाले भेजते हैं इसलिए होता है, लेकिन जो अपने घर में उगाते हैं वो तादाद के छुक देख लेते हैं कितना पका है, तादाद के जितना हिसाब से पीना है। और हमारे नाना जो है हमारे बाबा यदि उसको कैंसर होता तो कहां 150 साल जिया था, 150 साल और रोज दिन इतना तंबाकू पीता था ठिकाना बा बहुत चीज है। सब खमहोरी हो रहा है, अपने अपने को जीने के चक्कर में है। हमारे पुरखा लोग आप सब देखे होंगे चुंगी चढ़ाते थे, चिलम तक चढ़ाते थे, तो जितना 20-25 लोग हैं वो 20-25 लोग सब उसको पीते थे,
इसके बाद उसको देते थे, उसको देते थे, फिर वो उसको देता था, वो उसको देता था, फिर उसको देता था। सब लोग पीते थे। उसके पीछे वैज्ञानिक दर्शन क्या है? उसके पीछे वैज्ञानिक दर्शन है कि जो हम पी रहे हैं वो लार जो रह जाता है चुंगी में थोड़ा बहुत, एक आध आदमी का खर दिमाग डिस्टर्ब ही है और बाकी लोगों का दिमाग सही है, तो वो थूक के लार के माध्यम से उसका दिमाग उसमें जा रहा है तो वो भी सही हो गया, उसका दिमाग भी सही हो गया। इसलिए पूरे गांव बस्ती में एक जैसे सलाह, क्योंकि एक थे चिलम पी रहे हैं, एक थे तम्बाकू पी रहे हैं, एक थे चुंगी पी रहे हैं, इसलिए एक जैसा दिमाग सब में है, एक जैसा दिमाग। तीन लोग बैठ करके पूरे गांव भर के सलाह बना लेते थे, तीन लोग बैठ करके। मुकरदम हो गया, दवान हो गया, पटवार हो गया। हमारे गीत गाना होते हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए विस्तार से आपके बीच में ये सभी सारी बातें नहीं रख पाऊंगा। अभी जब फुर्सत मिलेगा और इस प्रकार के जब कार्यक्रम होंगे तो आपके बीच में आकर के हम बताने का प्रयास करेंगे अलग अलग चीजों में। आपको हमारी जो व्यवस्था रही है, जितना हम बुजुर्गों से सियानों से जाने हैं, उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अतः आप सभी से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा और हमारे जो आयोजक समिति हमारे फौजी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब कार्यक्रम रखें अगले कभी भी जब कार्यक्रम रखें तो ऐसा अलग अलग ना रखें, एक ही जगह में रखें, यही गड़ा दें पूरे एक साथ में, तो सब एक साथ बैठेंगे तो बोलने वाले को भी अच्छा लगता है, नाचने वाले को भी अच्छा लगता है, बजैया को भी अच्छा लगता है, बोलैया को भी अच्छा लगता है। अलग अलग बैठे तो कौन मोर बात ना समझते, कौन नहीं समझे, कुछ समझे नहीं आ। और जब पास पास में एक साथ रहते तो हम पता चल जाते कि हम मोर बात ना समझते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप कार्यक्रम रखें तो एक साथ पंडाल गाएं और एक साथ वहां पर बैठाएं। जब एक साथ बैठाएंगे तो एक जैसा विचारधारा जाएगी, एक जैसा उनमें ज्ञान जाएगा, एक जैसा उनमें आवेश जाएगा। ऐसे यदि खमहोरी खमहोरी बैठा देंगे तो अलग उधर बैठ करके अलग चर्चा, हाँ वो टूरी नाचन तो बढ़िया नाचन दादा, वो खत्म नहीं सुना उन अलग बताए, वाह टूरा अच्छा नाचे, वो अच्छा सुनाए सकत, वो खर नहीं जमे, वो अलग से बताएंगे कि वाह अच्छा बोली सर, वो खराब बोली। तो एक जैसे रहेंगे तो एक जैसे विचारधारा आएगा। इससे निवेदन करना चाहूंगा कि एक साथ बैठाने का काम करें ताकि हमारा जो एक आप हम सब जो एक धारा प्रवाह जो आप सब लोग यहाँ विद्वान जनाते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, नियम के बारे में, व्यवस्था के बारे में, सब एक जैसे विचारधारा आए। अतः आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी कार्यक्रम जब आयोजित करें तो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें। आपने मुझे यहाँ पर सम्मान के साथ में बुलाया, समय बहुत कम है इसलिए बहुत सी बातें आपके बीच में नहीं रख सका, इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्योंकि कल रात भर कार्यक्रम मेरा उधर एक बुचवटोला गांव है बजाक के पास, वहां पर था, हमारे ध्रुव जी ने मुझे बार बार फोन करके और आमंत्रित किया कि आपको हमारे क्षेत्र में आना है, हमारे गांव के सभी लोग, माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे दादा दाई सभी देखने के लिए, सुनने के लिए आपके लिए आतुर हैं, ऐसा कह ले। मेरे को नहीं लगा कि आप लोग आतुर हो। मरावी जी।